अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग घर पर खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे। अभी तक आप लोगों को दूसरी की इंग्लिश की बुक का जो है लिंक मिल रही थी एक एक चैप्टर की। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है इस वीडियो में देखेंगे, पेज नंबर 9 का ये चैप्टर है, लेट्स स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, बात करना। ओके, स्पीक का मतलब होता है बोलना। लेट्स स्पीक, चलो बोलें, चलो बात करें। अब हेडिंग है आई वॉन्ट टू। वॉन्ट का मतलब होता है बेटा चाहना। वॉन्ट का मतलब क्या होता है? चाहना। मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गो, मैं वॉन्ट चाहना, टू गो जाना, मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहती हूँ। तो अब हमें देखना है ए लेट्स स्पीक, क्या देखना है? लेट्स स्पीक, चलो बात करते हैं, चलो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बातचीत ली गई है, कन्वर्सेशन ली गई है। एक वालदा है, एक अम्मी है और उसके बच्चों के दरमियान कन्वर्सेशन ली गई है, यानी बातचीत ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं स्नेहल, ये बच्चे का नाम है, वो बोल रही है आई। आई का मतलब होता है अम्मी, जैसे अपने उर्दू में अम्मी बोलते, इंग्लिश में अम्मी को क्या बोलते? मदर। इंग्लिश में अम्मी क्या बोलते बेटा? मदर। तो इसी तरह मराठी में अम्मी को बोलते हैं आई। तो स्नेहल बोलती है आई, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई मैं वॉन्ट चाहती हूँ टू गो, गो यानी जाना, गो का क्या मतलब बेटा? जाना। आउट यानी बाहर। आई अम्मी, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ टू गो जाना, आउट बाहर। अम्मी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मदर, अब देखो अम्मी क्या बोल रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, रेनिंग यानी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। डू यू, क्या तुम? स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी। डू यू, क्या तुम स्टिल अब भी वॉन्ट चाहती हो टू गो जाना? देखो बेटा बाहर बारिश हो रही है, उसकी अम्मी उसको समझाती है स्नेहल को कि तुम बाहर जाने के लिए बोल रही हो लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। डू यू, क्या तुम स्टिल अब भी वॉन्ट चाहती हो टू गो जाना, यानी क्या तुम अब भी बाहर जाना चाहती हो, बाहर तो बारिश हो रही है। तो स्नेहल क्या बोलती है? यस आई, यस यानी हाँ। यस का क्या मतलब होता है बेटा? हाँ। हाँ आई, हाँ अम्मी, जी हाँ अम्मी। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का क्या मतलब होता है बेटा? खेलना। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहती हूँ इन द रेन, इन यानी अंदर, रेन यानी बारिश, रेन का क्या मतलब? बारिश। मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ अम्मी। देखो उसकी अम्मी बोलती कि देखो बेटा बाहर तो बारिश हो रही है तो क्या तुम अब भी जाना चाहती हो बाहर? तो स्नेहल बोलती है यस आई, जी हाँ अम्मी। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ टू प्ले, खेलना इन द रेन, मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान देंगे सब बच्चे, यहाँ पर आया है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का क्या मतलब होता है बेटा? बाहर। और यहाँ आया है लव्ज इन, इन का मतलब होता है अंदर, तो ये दोनों के मतलब एकदम एक दूसरे के जिद हो गए ना, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, तो इन और आउट ये जो है एक दूसरे की जिद है, तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं अपोजिट वर्ड। ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड। इसी तरीके से देखो यहाँ पर एक लफ्ज आया है यस, क्या आया है बेटा एक लफ्ज? मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ आप लोगों को, यस। यस का मतलब होता है हाँ, और नहीं को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो। नो का मतलब होता है नहीं, तो यस एंड नो, हाँ और नहीं, ये दोनों अल्फाज भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की जिद है। अब उसके बाद देखो आगे क्या है, मदर, मम्मी क्या बोलती है? वो बच्ची बोली कि हाँ बारिश भी हो रही है तो क्या हुआ, मुझको बाहर बारिश में खेलना है। तो उसकी अम्मी बोलती है यू विल गेट वेट,
वेट का मतलब होता है गीला होना या भीग जाना। तो बेटा बाहर तो बारिश हो रही है, तो तुम बारिश में जाओगी तो तुम तो भीग जाओगी ना। यू तुम विल गेट वेट, यानी कि तुम बाहर बारिश में जाओगी तो तुम भीग जाओगी, उसकी अम्मी बोलती है स्नेहल को। तो स्नेहल जवाब देती है यस आई, हाँ आई, मैं बारिश में भीग जाऊंगी, बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। बट का क्या मतलब होता है बेटा? लेकिन, बट लेकिन आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू इंजॉय मजा लेना, मजा करना, मैं इन द रेन यानी कि मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, बारिश से लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ। हाँ अम्मी मुझको पता है कि मैं भीग जाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन, लेकिन मैं बारिश को इंजॉय करना चाहती हूँ, बारिश से लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ, उसका मजा लेना चाहती हूँ। मदर, फिर माँ बोलती है गो अहेड। गो का मतलब होता है जाना, अहेड यानी आगे बढ़ो, यानी हाँ ठीक है तुम जाओ। आई विल, मैं फिनिश, फिनिश करना यानी खत्म करना। आई विल फिनिश, मैं खत्म करती हूँ माई वर्क, मेरे काम को, मैं मेरे काम को खत्म करती हूँ। एंड और ज्वाइन करती हूँ, मिलती हूँ यू, यानी कि तुम ठीक है, तुम बाहर जाकर खेलना चाहती हो तो गो अहेड, आगे बढ़ो। एंड और आई विल, मैं जो है फिनिश करती हूँ, खत्म करती हूँ माय वर्क, मेरे काम को। एंड और ज्वाइन यू, तुम्हें आकर मिलती हूँ, ठीक है तुम्हें बारिश में खेलना है, ठीक है तुम जाओ बारिश में खेलो, मैं जो है अपना काम खत्म करके तुम्हें आकर मिलती हूँ। देखो यहाँ पे स्नेहल बनी है, वो उसकी अम्मी से पूछ रही थी। अब देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर उसका दूसरा जो बेटा है वो आके बोलता है कि चिंटू, चिंटू बोलता है आई अम्मी, आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन टू, मे आई गो। चिंटू बोलता है आई अम्मी, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू प्ले, खेलना इन द रेन, बारिश में टू। टू का ये मतलब होता है भी, अम्मी जी मैं भी बारिश में खेलना चाहता हूँ। देखो वो स्नेहल कैसे आके परमिशन लेती है, तो इसी तरीके से चिंटू भी आकर परमिशन ले रहा है कि आई अम्मी जी, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ इन द रेन टू, यानी मैं भी रेन में खेलना चाहता हूँ, बारिश में खेलना चाहता हूँ। मे आई, क्या मैं, गो क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो क्या मैं जा सकता हूँ। तो मदर बोलती है, अम्मी बोलती है यस चिंटू, हाँ बेटा चिंटू, यू मे, ठीक है तुम जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे फिर उसके बाद जब उसकी अम्मी ने उसको परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, तो सारे बच्चे जो हैं एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे यस और नो हो गया, इन और आउट हो गया। यहाँ पर एक और लफ्ज आया है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का क्या मतलब होता है बेटा? जाना। गो का मतलब होता है जाना। देखो मैंने यहाँ लिखा है गो, उसका मतलब होता है जाना, और उसका अपोजिट आएगा कम। कम का मतलब होता है आना, तो दोनों का मतलब एकदम एक दूसरे से अपोजिट हुआ। तो ऐसे अल्फाजों को कहते हैं अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि पहले जो है सबसे पहले स्नेहल आती है, उसकी अम्मी से पूछती है कि अम्मी मैं बाहर जानना चाहती हूँ। उसकी अम्मी बोलती है बेटा बाहर तो बारिश हो रही है, तो बोले कि हाँ अम्मी, बट आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन, कि मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसकी अम्मी बोलती है बेटा आप भीग जाओगे, तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ रेन को। तो उसकी अम्मी बोलती है ठीक है आप खेलिए, मैं मेरा काम खत्म करके आती हूँ। फिर उसके बाद जो है चिंटू आता है, वो उसकी अम्मी से पूछता है कि अम्मी मैं खेलने जाऊँ क्या, मैं भी खेलने जाऊँ। तो उसकी अम्मी बोलती है ठीक है चिंटू, तुम भी खेलने जा सकते हो। यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर कम्प्लीट हुआ। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके लिए आपको ये करना है कि मैंने जो जो अल्फाज के माना लिखाई हूँ, बताई हूँ आपको, उसको आपकी इंग्लिश की नोटबुक पर व्यास पर लिखना रहेगा, और ये जो तीन अल्फाज के जिद बताई हूँ, अपोजिट वर्ड्स बताई हूँ, उनको भी याद
करना रहेगा इंशाल्लाह। अपने जो है अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सेहतमंद रहिए, सफाई का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।